गुड मॉर्निंग. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. व्हेन एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू कंपेयर पीपल और ऑब्जेक्ट्स. एडजेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव मीन्स अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वर्ड वो थे एडजेक्टिव. जैसे कि ब्लैक शर्ट, यहाँ पे शर्ट क्या है? नाउन. और जो शर्ट का कलर कैसा है? ब्लैक. तो ये उसकी क्वालिफिकेशन को बताता है. तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं. और यहाँ पे डिग्री जो कंपैरिजन में इनका कैसे इस्तेमाल होता है, जो एडजेक्टिव होते हैं उनका यूज किया जाता है टू कंपेयर पीपल और ऑब्जेक्ट्स, लोगों की या वस्तुओं की तुलना करने में. वी यूज़ द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं. देर आर थ्री डिग्री ऑफ कंपैरिजन. जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती है वो थ्री टाइप की होती हैं. फर्स्ट इज द पॉजिटिव डिग्री, जिसमें फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री. सेकंड द कंपैरेटिव डिग्री, सेकंड नंबर पे कंपैरेटिव डिग्री. एंड थर्ड वन इज द सुपरलेटिव डिग्री. अब हम इनको वन बाय वन समझते हैं. फर्स्ट द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू रेफर टू वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. जो पॉजिटिव डिग्री होती है इसका यूज किया जाता है किसी वस्तु, व्यक्ति या प्लेस को रेफर करने के लिए विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन, और उस वस्तु, पर्सन, व्यक्ति या प्लेस की किसी के भी साथ कंपैरिजन नहीं की जाती, तुलना नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ अ बिग हाउस, उसका बहुत बड़ा घर है. तो उसका हाउस जो है वो बिग है. यहाँ पे ये सिर्फ एडजेक्टिव का काम करता है और ये पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे जो उसके घर की किसी दूसरे घर से कोई कंपैरिजन नहीं की गई. सेकंड, द कंपैरेटिव डिग्री रेफर्स टू अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. जो कंपैरेटिव डिग्री होती है ये बड़ी डिग्री होती है एज़ कंपेयर टू द पॉजिटिव डिग्री. ये पॉजिटिव डिग्री से बड़ी डिग्री होती है. इट यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, पीपल और प्लेसेस. और इसका यूज किया जाता है तुलना करने में दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की या फिर प्लेसेस, दो स्थानों की. यानी इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री है स्टूडेंट्स, इसमें जो कंपैरिजन होती है वो दो के बीच होती है. इसमें दो से ज़्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों की कंपैरिजन नहीं होती. एग्जाम्पल, हर हाउस इज बिगर देन माई हाउस, उसका घर मेरे घर से बड़ा है. तो यहाँ पे टू हाउसेज की कंपैरिजन है, हर हाउस एंड माय हाउस. तो यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पे जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स होता है उसके बाद देन होता है. इसमें देन मींस की अपेक्षा, मतलब कि उसका घर मेरे घर की अपेक्षा बड़ा है. तो यहाँ पे टी एच ए एन देन, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स के बाद यहाँ पे देन मिलेगा. तो जब भी देन मिलेगा तो हमें कंपैरेटिव डिग्री फील करनी होती है. थर्ड वन इज द सुपरलेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव की सबसे बड़ी डिग्री होती है. इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन टू ऑब्जेक्ट. और इसका यूज किया जाता है मोर देन टू, दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट, वस्तु हो सकती हैं, व्यक्ति हो सकते हैं या प्लेसेज, स्थान हो सकते हैं. मतलब कि दो से ज़्यादा होना चाहिए. वी यूज द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री. जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री फिल करनी होती है उससे पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिज हाउस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल. देखो यहाँ पे जो उसका घर है, ऑफ ऑल का मतलब है सबसे बड़ा घर है, मतलब कि जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं उन सब में सबसे बड़ा घर उसका है. तो यहाँ पे ऑल, ऑल का मतलब यहाँ पे इट डज नॉट रेफर एनी टू, ये दो का, दो को रेफर नहीं करता. इट रेफर्स टू मोर देन टू ऑब्जेक्ट, पीपल और प्लेसेस. तो यहाँ पे दो से ज़्यादा जो चीज़ों में के बीच जो कंपैरिजन होती है तो वहाँ पे बिगेस्ट यानी थर्ड डिग्री लगाएंगे हम. तो इस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे यूज किया जाता है. जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें हमेशा
मोस्टली यहाँ पे दा मिलेगा। अगर दा नहीं भी होगा तो फिर हम सेंटेंस में ये देखेंगे कि जो कंपैरिजन है वो ज़्यादा के बीच है या सिर्फ दो के बीच है। अगर ज़्यादा के बीच है तो हम थर्ड डिग्री वहाँ पे फिल कर देते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ डिग्री यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। देखो यहाँ पे मोस्टली हम क्या करते हैं, डिग्रीज में जो वर्ड होता है उसमें ER, तो कंपैरेटिव डिग्री में तो ER लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में EST लगा देते हैं। तो कुछ वर्ड्स में तो सिंपल यही लगता है ER EST, जैसे कि लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, और इसी तरह से ब्रेव, ब्रेव को अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ई है बाद में, इसका अलग से रूल है। नेक्स्ट ओल्ड, ओल्ड में भी ER लगाना है और EST बाद में। ओल्डर, ओल्डेस्ट, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, टोल, टोलर, टोलेस्ट। अब हम ई के ई में देखते हैं, जिस वर्ड में बाद में ई होता है ना, तो वहाँ पे हमें दोबारा ई नहीं लगाना होता, सिर्फ हम आर लगा देंगे और वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में ST लगा देंगे। हमें ई का दूसरी बार यूज नहीं करना होता, जैसे ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, ऐसे ही वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट, हंग्री। अब जो वर्ड जिनके लास्ट में वाई होता है तो हम वाई को रिमूव करेंगे और वाई की जगह पे आई लगा देंगे, जैसे हम जो प्लूरल बनाते थे ना उसमें भी ऐसे ही करते थे जहाँ पे वाई होता है। और जैसे जब वर्ब होती है ना, जो वर्ब होती है और जब वर्ब का प्लूरल बनाते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है, हम वाई को हटा के आई ही लगाते हैं। जैसे cry, 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 तो cries, CRIES। तो ऐसे हंग्री जो एडजेक्टिव है ना, तो इसका हम वाई हटा के IER लगाएंगे यहाँ पे, हंग्रियर, और हंग्रीएस्ट IEST लगा देंगे बाद में। ऐसे ही लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, वाई को रिमूव करके वी पुट आई टू बाई रिमूविंग वाई। डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, हियर ऑल्सो वी रिमूव वाई एंड वी राइट हियर आई। फनी, फनियर, फनीएस्ट, इन दिस ऑल्सो वी रिमूव आई वाई एंड वी राइट IER IEST। नेक्स्ट इट ऑल्सो हैज़ अ डिफरेंट रूल। फॉर एग्जाम्पल देर इज डिम, DIM। स्टूडेंट्स हमें वर्ड को देखना है, हमें देखना है कि यहाँ पे DIM है, जो M क्या है, कॉन्सोनेंट है। जो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें 5 क्या है, वोवल, AEIOU, 5 वोवल होते हैं, और बाकी जो इनको छोड़ के बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जिस वर्ड में लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वोवल हो, है ना, लास्ट में कॉन्सोनेंट और उससे पहले वोवल होना, तो उसमें हम क्या कर देंगे, डबल, जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देंगे और बाकी वही सेम रूल रहेगा, ER EST। तो डिम, डिमर, डिमेस्ट। हॉट, हियर ऑल्सो बिकॉज देर इज कॉन्सोनेंट एंड बिफोर कॉन्सोनेंट देर इज वोवल, सो वी कैन मेक द डबल ऑफ टी, हॉटर, हॉटेस्ट। देर इज ऑल्सो द सेम रूल, थिन, देर इज एन कॉन्सोनेंट एंड बिफोर कॉन्सोनेंट देर इज वोवल, सो वी कैन मेक द डबल ऑफ एन, थिनर, थिनेस्ट। इन दिस वे बिग, देर इज ऑल्सो कॉन्सोनेंट बिफोर इट वोवल एंड सो इट बिकम्स बिगर, बिगेस्ट, ग्रेटफुल। स्टूडेंट्स कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हमें EREST वाला जो रूल्स है ये नहीं लगता, इनमें लगता है मोर और मोस्ट। सेम एडजेक्टिव रहेगा, बस हमें स्टार्टिंग में मोर लगाना है और यहाँ पे सुपरलेटिव में मोस्ट लगाना है। ग्रेटफुल, मोर ग्रेटफुल, मोस्ट ग्रेटफुल। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। और कुछ में है ना बिल्कुल ही डिफरेंट बनते हैं, जैसे लिटल, लेस, लिस्ट। लिटल कम, लेस उससे भी कम, और लिस्ट सबसे कम। गुड अच्छा, बेटर उससे अच्छा, बेस्ट सबसे अच्छा। बैड बुरा, वर्स उससे बुरा, वर्स्ट सबसे ज़्यादा बुरा। तो इन दिस वे यू कैन लर्न दीज डिग्रीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।